नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे और वीडियो पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे वन प्लस की तरफ से जो उनका नया एक स्मार्टफोन डिवाइस लॉन्च होने वाला है उसके बारे में। तो देखिए, डिवाइस का आपका नाम जो है, सबसे पहले नाम की ही बात करते हैं। तो नाम में काफ़ी ज़्यादा नाम आपके अवेलेबल है, इनमें से कोई भी आपका एक नाम रखा जा सकता है ब्रांड की तरफ से। सबसे पहले चाहे तो ले लीजिए वन प्लस जी, वन प्लस एट लाइट या फिर वन प्लस लाइट, और अब आपका वन प्लस नोट। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिकली तीन पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगा कंफर्म चीज़ों की, मतलब कि ऐसे वेबसाइट पेजेस जो कि आपके इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और कंफर्म्ड हैं, जिससे ये श्योर होता है कि वन प्लस की तरफ से कोई ना कोई स्मार्टफोन या फिर कोई ना कोई स्मार्टफोन सीरीज कन्फर्म आपके लॉन्च हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला पेज आपका amazon.in की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने सामने से आपको पूछा है कि आप अपने डिवाइस का, मतलब कि जो वन प्लस का नया डिवाइस आने वाला है, तो उसका क्या नाम आप चूज़ करेंगे, मतलब वन प्लस एट लाइट, वन प्लस जी, या फिर आप कोई भी अपना फील भी कर सकते हैं वन प्लस नॉट। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि एक आपका डिवाइस आने वाला है और कुछ नया ही आने वाला है, क्योंकि इनकी तरफ से एक इनका नया इंस्टाग्राम हैंडल भी क्रिएट किया गया। ये आपका सेकंड वाला पॉइंट है, नया इंस्टाग्राम हैंडल जो क्रिएट किया गया तो वो इंटायरली डिफरेंट है। मतलब देखो, एक बात अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखिए वन प्लस की तरफ से उनका एक मेन फ्लैगशिप वाला डिवाइस आता है और एक आता है टी सीरीज वाला, ठीक है, मतलब कि 70-80 वाला आएगा जो। तो देखिए, इसके अलावा वो एक और नया पेज क्रिएट करके, अलग से इंस्टाग्राम के ऊपर एक नया हैंडल क्रिएट करके चीज़ को ब्रांड या फिर रीब्रांड तरीके से कर रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा कुछ नया या फिर अमेजिंग हो सकता है, मतलब कि एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कि ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है कि आपका बेसिकली स्मार्टफोन ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई और AI इनेबल्ड डिवाइस या फिर IoT डिवाइस या फिर स्मार्ट TV की सीरीज हो सकती है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट था, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि खाली सिर्फ और सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही आए। बाकी देखिए, तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात बताऊं, तो हम बात करते हैं अपने स्मार्टफोन के बेसिक स्पेसिफिकेशंस की, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं सारे लीक्स र्यूमर्स और कन्फर्मेशंस को मद्देनजर रखते हुए। तो देखिए, स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात बताऊं, तो जहां तक आपको 6.5 inches का 90Hz का पैनल देखने को मिलेगा। प्राइसिंग में आपका डिवाइस 25,000 से 30,000 के बीच में रखा जाएगा, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, रियलमी के हिसाब से ही रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रियलमी की तरफ से जो उनका रियलमी X3 और X3 सुपर जूम आया है, तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डिवाइसेस है आपके। बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात बताऊँ, तो प्रोसेसर में आपका मिड रेंज सेक्शन वाला स्नैपड्रैगन 765G विथ 5G कैपेबिलिटी, बैटरी में 4000mAh की बैटरी और 30W का आपका फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता। कैमरा की भी अगर मैं बात बताऊँ, तो देखिए कैमरा में आपको जो मेन कैमरा सेंसर है, मतलब कि बैक कैमरा वाला, वो आपका जहाँ तक कन्फर्म है कि 32+8 megapixel का कॉम्बो फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा, और फ्रंट में जहाँ तक आपका सेम 16 megapixel का, या फिर हो सकता है कि एक डुअल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकता है, बट वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। तो इन तीनों चीज़ों में से देखिए, एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपका स्मार्टफोन या फिर एक कोई चीज़ जरूर अनवील होने वाली है वन प्लस की तरफ से, और जैसे ही वो आपकी आती है, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। टिल देन, यू कैन हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, पीस।